हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. माई सेल्फ कमला चौधरी, साइंस टीचर फ्रॉम सीकर. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th एंड टुडेज टॉपिक विल बी मैग्निफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मैग्निफिकेशन और डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन कि मैग्निफिकेशन कैसे किसको है. जनरली हम जानते हैं मैग्निफाई. मैग्नीफाई का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करके हम जब देखते हैं, यानी बड़ा करके देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं. या हम यहाँ लेंस और मिरर की अगर बात करें अपन, तो मैग्नीफिकेशन हम देखेंगे कि जो रेशियो होगा इमेज ऑफ हाइट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन कहेंगे. यानी कि उसकी हाइट है इमेज की, वो बड़ी है या घटी है, या ऑब्जेक्ट है उसके कंपेयर में उसकी हाइटें कितनी है. तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में. द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन. यहाँ हम मैग्नीफिकेशन के बारे में जाने तो बात करेंगे, तो वॉट डू यू मीन बाई मैग्नीफिकेशन. देन आंसर विल बी द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन. इट इज़ यूजली डिनोटेड बाई एम. मैग्निफिकेशन शोज द एक्सटेंट अप टू द विच एन इमेज इज इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड. हम यह मैग्निफिकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या करता है, इमेज को इनलार्ज्ड या मैग्नीफाई कैसे करता है, यानी बड़ा कैसे दिखा सकता है. द कैपेसिटी ऑफ ए मिरर टू इनलार्ज एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. यानी कि जो कैपेसिटी होती है किसी मिरर की या लेंस की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मिरर की जो कैपेसिटी होगी उसको इनलार्ज करने की, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन. द आंसर विल बी द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. और द कैपेसिटी ऑफ ए मिरर टू इनलार्ज एन इमेज इज कॉल्ड ए मैग्निफिकेशन. तो यहाँ दोनों टाइप से हम डेफिनेशन दे सकते हैं. If h is object height and h dash is image height, then a magnification by spherical mirror is given by the following equation. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे, समझेंगे कि मैग्निफिकेशन हम कैसे करते हैं. देखना ये क्या है, कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने क्या नाम दिया है, h दिया है. ये इमेज हाइट है, इसको हमने एच डैश दिया है. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल क्या होगा, एच डैश अपॉन एच. एच डैश हमने किसकी हाइट मानी है, इमेज की हाइट मानी है, और एच हमने किसकी मानी है, ऑब्जेक्ट की हाइट मानी है. तो मैग्निफिकेशन की जब भी बात आती है तो हम क्या करते हैं, एच डैश अपॉन एच रखते हैं. ठीक है, अगर इनमें से h नहीं दिया हुआ है या एच डैश नहीं दिया हुआ, एक वैल्यू दी हुई होगी, ऑब्वियसली दी हुई होती है. अगर नहीं दी हुई है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन ट्राइंगल लेते हैं. यहाँ पर ट्राइंगल लेके, और जैसे हमने मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था, वैसे यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं. तो मैग्निफिकेशन का जब भी फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं, देन क्या होगा, यहाँ पर ये क्या इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है. ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे पी क्यू. देखना पी और क्यू, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी. यहाँ ये रहा क्यू, इसको हमने पी डिनोट किया है यहाँ पर. तो ये पी क्यू अपॉन ए बी, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट है, सॉरी इमेज हाइट है, उसके नीचे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल ओ पी अपॉन ओ ए. इक्वल क्या होगा, हम पी क्यू या ओ पी को, ओ पी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर वी से डिनोट कर रहे हैं. ओ ए को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से डिनोट कर रहे हैं. तो इक्वल क्या होगा, वी अपॉन यू, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस है अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने यहाँ पर रखा है. पहले हमने देखा था कि इमेज की हाइट थी अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट थी. तो यहाँ हम देखेंगे प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एज ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ए बी ओ आर सिमिलर. हेंस हमने देखा अभी पी क्यू ओ
और ए बी ओ ये क्या है, सिमिलर है, हमने देखा ये इक्वल ये, ये इक्वल ये, तो ये इक्वल ये हुआ, देन ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ हम जो देखेंगे वो क्या, एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, एम इक्वल क्या होगा, एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू, यानी इन चारों पांचों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इससे। तो आगे फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसा बनेगा देखना, सिंस बोथ ऑब्जेक्ट इज अबाउट द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हेंस पर कार्टेशियन साइन कॉन्वेंशन, यानी कि जो दोनों हैं ऑब्जेक्ट जिसकी बात करें इमेज, वो क्या है, प्रिंसिपल के नीचे है, देन क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, एम इक्वल क्या होगी, एच डेस अपॉन एच इक्वल क्या होगी, माइनस वी अपॉन यू होगी। क्यों कार्टेशियन साइन ये कहता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है देन जो हाइट होती है वो किस में लेते हैं अपन, नेगेटिव में लेते हैं, तो नेगेटिव वी अपॉन यू हुआ। जनरली ऑब्जेक्ट केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हाइट, हेंस हाइट ऑफ इमेज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट ऑफ एन इरेक्ट इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द इन्वर्टेड इमेज टेकन एज नेगेटिव। हम बात करें यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं मैग्निफिकेशन से, कि हम ये जानते हैं कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो किस में ऑब्जर्व करेंगे अपन, पॉजिटिव में करेंगे, और इन्वर्टेड होगी उसकी नेगेटिव लेंगे हम, और इमेज जब इरेक्ट बनेगी तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। कुछ रूल्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मैग्निफिकेशन में, हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। इफ़ एम इज़ नेगेटिव, या हम बात करें एम नेगेटिव है एंड एम तो नेगेटिव आया, वैल्यू हमने कोई फाइंड की उसमें एम नेगेटिव आया है, उसमें वी बड़ा है यू से, देन इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई। यहाँ ये कह रहे हैं कि इमेज क्या है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है यानी उल्टी बनी है, और मैग्नीफाई यानी बड़ी बनी है। इफ़ एम इज नेगेटिव एंड वी इक्वल यू देन इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ हम बात करें एम नेगेटिव है लेकिन v और u क्या है, इक्वल है, देन इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और उसकी जो साइज होगी बिल्कुल किसके होगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी इमेज की। इफ़ m इज नेगेटिव एंड v लेस देन u देन इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिस्ड इन साइज, क्या हो गई, साइज क्या हो गई, डिमिस्ड हो गई, क्योंकि u बड़ा है और v छोटा है, देन क्या हो गया, साइज बहुत छोटी बनेगी। इफ़ एम इज़ पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम जब भी पॉजिटिव आएगा उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इमेज इज इनलार्ज्ड इन दिस केस बिकॉज वी बड़ा होगा यू से, ठीक है। तो यह हम बात कर रहे थे, ये जो तीनों हैं वो ए बी एंड सी, ये किसके लिए हम फॉलो करेंगे, कॉनकेव के लिए, ये कॉन्वेक्स है। मैग्निफिकेशन फार्मूला इज सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल, मैग्निफिकेशन फार्मूला सेम होता है, वैल्यू ऑफ एम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज वी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि v क्या है, हमेशा पॉजिटिव आती है, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ h डेज एंड v इज़ ऑलवेज लेस देन एच एंड यू इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, यू तो नेगेटिव होती है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एच डैश और वी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कैसे, क्यों, क्योंकि जो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एच और यू से क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, तो इससे कि जो इमेजेस बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड स्मॉलर इमेज बनेगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, इनसे क्या हो रही है, एच से एच डैश की वैल्यू कम है, यू से वी की वैल्यू कम है, तो इसकी जो साइज़ होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी और इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि यहाँ एम क्या ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि मैग्निफिकेशन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी
मिरर में हम फॉर्मूला वो ही यूज़ करेंगे, सिर्फ कार्टेशियन साइंस का ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हम वैल्यू पुट करेंगे और मैग्नीफाई होगा या नहीं होगा, कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं, ए पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेविंग मिरर। अब यहाँ सेविंग मिरर आया है तो हम ये जानते हैं कि सेविंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो ए पर्सन सिटिंग ऑन डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर यू की वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, 20 सेंटीमीटर, यू को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, ओके। इफ फोकल लेंथ ऑफ सेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। यहाँ टू क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखना, ए पर्सन हाइट, यानी कि पर्सन हाइट, पर्सन सिटिंग डिस्टेंस है, जो पर्सन ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ मैं आपको डाइग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे देखेंगे इसको। देखना, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ हम ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अब जो पर्सन है वो कहाँ बैठा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठेगा ऑब्वियसली, ऊपर की साइड में हवा बैठेगा। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ओके। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, यू में मेज़र करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ सेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ है वो कितनी है, इसकी 80 सेंटीमीटर है। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, इधर ही होगी, तो यहाँ मान लेते हैं, आगे तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते, तो फोकल लेंथ मान लिया हमने, ये रही एफ, एफ यहाँ से यहाँ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में, कोई चेंज नहीं, यूनिट सेम है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन, इमेज का जो डिस्टेंस है और मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम पहले क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, और मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद में हम लगाएंगे मैग्नीफिकेशन लगाएंगे, ठीक है। पहले हम गिवन वैल्यू देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें गिवन वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप मान लेना डिस्टेंस है ये, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कितना होगा, कितना होगा माइनस 20, कितना होगा माइनस 20, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं, नेगेटिव में, क्यों, कार्टेशियन साइन हमें ये कहता है जो लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में मेजर होगी, क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है माइनस 80 सेंटीमीटर, वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इधर जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम नेगेटिव में मेज़र करेंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया, फोकल लेंथ है वो हमें पता चल गया, और इमेज डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से करते हैं, और वो हमें फाइंड करना है। दूसरा, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं, इक्वल हमें फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, दो है, वैल्यू क्या है हमारे पास, दो है, ठीक है। हम दोनों वैल्यू को हम ध्यान में रखते हुए आगे इससे क्या है, मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे और इमेज डिस्टेंस भी हम निकालेंगे, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हम इमेज डिस्टेंस है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला से। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, इक्वल क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है, ओके। वैल्यू पुट इन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं अपन,
न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, वी की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम एज इट इज़ रख लेंगे, प्लस यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 20 है, इक्वल एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 80 है, हमने ये वैल्यू रखी। उसके बाद में हम देखेंगे वन अपॉन वी है, यहाँ माइनस वन अपॉन 20 है, अभी हम साइन करेक्ट कर रहे हैं, वन अपॉन 80 है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर तो क्या है, v है, तो हम इसको क्या है करेक्ट कर लेते हैं, वन अपॉन v इक्वल क्या होगा, वन अपॉन 80 प्लस वन अपॉन 20। ऐसा क्यों हुआ कि जब भी कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट जाती है तो वो क्या करती है, साइन चेंज करती है, या राइट से लेफ्ट आती है तो साइन तो इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 80 माइनस वन प्लस 4 कितना आएगा, 3/80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, 1/v = 3/80 आया था। तो v इक्वल क्या होगा, देन v इक्वल क्या हुआ, 80/3 सेंटीमीटर। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 26/2/3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड करना था v की वैल्यू, तो देन v की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आप यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, आप इतना करते हो देन तब भी राइट है, लेकिन आप सॉल्व कर देते हो तो बहुत ही राइट है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करेंगे, अब देखना आपके पास, आपको एक क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, वी, हमने ये फाइंड कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन, तो हम एम की वैल्यू निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, जैसे कि हम बात करें मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल क्या होगा, एच डैश अपॉन एच इक्वल माइनस यू अपॉन वी। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा लेंस लिया है, मिरर लिया, सॉरी कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव आएगा। तो हमने देखा वैल्यू रख देते हैं, भाई वैल्यू रखते हैं, एम इक्वल क्या होगा, एम की बात करें अपन तो एम इक्वल क्या होगा, वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमने साइन छोड़ दिया, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है, 80/3 कितनी है, 80/3 अपॉन हम क्या लिखेंगे, माइनस 20 कितना लिखेंगे, माइनस 20। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे देन क्या आ जाएगा, 80/ कितना आएगा, 3/20 माइनस का साइन। अब वैल्यू आगे क्या आएगी देखते हैं, 80/60 क्या आएगी, 80/60 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या, अब माइनस माइनस का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ क्या है माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, यहाँ माइनस था, ऊपर माइनस और नीचे माइनस, तो हमने देखा कि ये किस में हो गया, प्लस हो गया माइनस माइनस, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1.33। अब इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो हम देखेंगे कि इमेज है उसका नेचर कैसा रहेगा। तो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी मिरर के पीछे बनेगी, और कितनी बड़ी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे इतनी बड़ी होगी यानी मैग्नीफाई होगी, और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो हमने देखा इस एग्जांपल से कि हम कैसे
न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिरर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पर, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने मैग्निफिकेशन भी फाइंड किया और इमेज डिस्टेंस भी फाइंड किया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में आप सेंड कर दें अपना डाउट, ताकि आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।